क्या मेरी जो चौथी सर्विस होने वाली थी, जो फ्री वाली होने वाली थी, वो फ्री क्यों नहीं दी मुझे? अबे ओए रुक जाओ, ओए डंडा साइड में रख ले तू पहले। अबे रोक ली ना, बड़ी टूट भी नहीं है बेटे, तो बच जाएगा मुझसे में कि तेरे मेरे बैटर में सिद्धू क्यों आ रहा है। उसने मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी मारी है, देख ले बेटे। अब जो हुआ सिद्धू और वो मुटे के संग, और सिद्धू ने मेरे को बहुत गलत करा मेरे संग, बस सिद्धू से मैटर सॉल्व नहीं होगा मेरा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब, होप के सब बढ़िया होगे, फिट एंड फाइन होगे, अपने भाई के व्लॉग्स देख रहे होगे। सो भाई लोग, आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सिद्धू के घर, एंड आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे भाई, लिटरली वो एक प्रैंक था, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे भाई, इतना बुरा मारा कि क्या बताऊँ भाई, हर जगह दर्द हो रहा है अभी तक मेरे। बट उस प्रैंक को इतना रियल बना दिया ना उन लोगों ने भाई, मैं सच मान गया था कि भाई ये मैंने सच में कुछ गलती करी है, या फिर ये पागल वागल तो नहीं हो गई, ये नीरज ने कुछ तो नहीं कर दिया। मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं सिद्धू भी नीरज से तो नहीं मिल गया, ये दोनों मिल गया मुझे मार रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें दिमाग में चलनी थी भाई, लिटरली इतना तगड़ा प्रैंक। बट गाइज, अभी मैं जो है प्रैंक का बदला लेने वाला हूँ, रिवेंज लेने वाला हूँ, बट अभी नहीं होगा, ये होगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि भाई अगर अभी मैं करता हूँ तो भाई उन लोगों को शक हो जाएगा इजी कि भाई ये बंदा प्रैंक कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अभी उन लोगों ने मुझ पे प्रैंक किया है, तो ऑब्वियसली मैं उन पे प्रैंक करूँगा कुछ भी करता हूँ। तो भाई अभी इस मैटर को थोड़ा शांत होने देंगे, उसके बाद जो है भाई अपन लोग बहुत तगड़ा प्रैंक करेंगे। आप लोग तब तक मुझे प्रैंक बता दो कि क्या प्रैंक करना है उन दोनों पे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाओ और मुझे बताओ कि कौन सा प्रैंक करना चाहिए उन दोनों पे। लेकिन मैं दोनों पे अलग अलग प्रैंक करूँगा, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग प्रैंक बताना, ठीक है। अभी निकलते हैं फिलहाल बाहर, और मस्त अभी बाहर बहुत तगड़ी धूप हो रही है भाई, अभी निकलते हैं और सिद्धू के घर पर जाके मिलते हैं, क्योंकि उसके घर से मुझे थोड़ा सामान लेके आना है, जो मेरे कपड़े वगैरह हैं, थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं वहाँ पे, तो वो लेके आने हैं, अभी निकलते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊं, कल रात अनमोल निब्बे का मेरे पास मिस कॉल भी आया था। अब आई डोंट नो उसने गलती से किया या फिर जानबूझ के किया, इस मैटर पे भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि भाई हो सकता है वो मुझे कॉल करने की या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, मुझे नहीं पता कि भाई क्या चाहता है वो। क्योंकि भाई कुछ दिन पहले मैं सिद्धू के साथ उसकी लड़ाई में गया था, जब निब्बे से उसकी लड़ाई हुई थी, तो शायद उसी मैटर से कुछ बात करने को बोल रहा हूँ, या फिर गलती से लग गया हो, कुछ नहीं पता भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता इस मैटर में। अभी फिलहाल सिद्धू के घर पर पहुँचने वाले हैं, सिद्धू के घर पर पहुँचते हैं, और भाई आप लोगों को पता है भाई उसने मेरे साथ जो गलत काम किया भाई, उसका रिवेंज तो मैं लूँगा अभी ना सही बाद में, क्योंकि अभी मैं अगर रिवेंज लेने की कोशिश करता हूँ तो भाई वो ईजिली समझ जाए कि भाई ये प्रैंक कर रहा है या फिर कुछ और, क्योंकि भाई अभी उसने कल ही प्रैंक किया है मेरे ऊपर, तो भाई इजीली समझ जाए कि हाँ भाई मैं प्रैंक कर रहा हूँ। तो भाई अभी इस मैटर को शांत होने देंगे, उसके बाद ही अपन लोग रिवेंज लेंगे, एक मस्त सा तगड़ा सा प्रैंक करेंगे नीरज पे और सिद्धू पे, दोनों पे प्रैंक करूंगा भाई मैं तगड़ा वाला। तो गाइस चैनल पे आगे बने रहना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मस्त मस्त मोटो ब्लॉग्स और प्रैंक्स और भी मस्त मस्त वीडियोज आती रहती हैं इस चैनल पे, ठीक है ना भाई। इस टाइम इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बट घर से निकलना पड़ता है क्योंकि भाई अपन को ब्लॉग शूट करना होता है, ब्लॉगिंग करना भी जरूरी है अपन को, इतनी गर्मी है। देखो यहाँ पे हमेशा पानी चलता है, लेकिन आज पानी नहीं चल रहा है, सूखा हुआ है लगभग एक महीने से। अभी भाई पहुंचते हैं सिद्धू घर पे, और बाकी का सीन देखते हैं भाई क्या होता है वहाँ पहुंचने के बाद। तो गाइज मैं यहाँ पे बहुत देर से बैठा था, आके मैंने कैमरा बंद कर दिया। ये देखो अपना एक अच्छा छुपाने लग गया, क्यों छुपा रहा भाई? ये देखो जोशी चिकना हो गया, इधर आकर नज़दीक का थोड़ा नज़दीक। ये देखो भाई इसकी दाढ़ी आती थी, ये चिकना हो गया कुछ, अब ऐसा लग रहा है। ये देखो गाइज आप लोगों को पता है इसने मेरे ऊपर कितना तगड़ा प्रैंक करा था, इसके साथ बदला लेना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो गाइस अभी निकलते हैं, बहुत देर से बैठा था मैं यहाँ पे, अभी निकलते हैं। मैंने फ्लैश लाइट जला रखी है क्योंकि ये थोड़ा सा दिखे, यहाँ पे लाइट नहीं है ना इसलिए। चलो ठीक है बाय। देखो भाई धूप खत्म हो गई बिल्कुल ही, मैं यहाँ पे समथिंग आया था 2:30 बजे। आंटी चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। गंदा कितना हो गया ये। तो गाइस अभी निकलते हैं फटाक से। सो गाइस मुझे जो सिद्धू के घर से सामान लेना था वो सामान ले लिया है, मेरी पीठ में बैग टंगा हुआ है मस्त करके, उसमें मैंने अपना सामान रख लिया है, जो मतलब मेरे कपड़े थे तो वो कपड़े रख लिए बैग में, और एक कैप भी थी, कैप भी रख ली है, मतलब जितना सामान था इसके यहाँ पे वो सारा सामान आज मैंने ले लिया है। सारा सामान जो है भाई यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि भाई जब हम लोग यहाँ पे स्टंट प्रैक्टिस के लिए आते थे तो यहीं पे रह जाता था, अब हम लोग वहाँ से उधर ही निकल जाते थे घर के लिए, बट यहाँ पे आना नहीं होता था तो सामान भी यहीं रह जाता था। और अभी देखो भाई ठंडा मौसम हो गया मस्त, और अभी खींचते हुए चलते हैं घर। मैं सोच रहा था सिद्धू और हम लोग रामनगर जाएंगे मस्त घूमने, रील वगैरह शूट करने, बट हमारा वहाँ पे भी जाना नहीं हो पाया। अभी देखो भाई इसकी जो इंजन लाइट जल गई है, पता नहीं क्यों, मेरी समझ ही नहीं आ रहा, इसमें देखो इंजन लाइट जल रही है इस टाइम पे, बट इसकी जो इंजन लाइट है वो तभी जलती है जब इसमें कोई फॉल्ट वगैरह होता है। अभी मुझे वहाँ पे शोरूम में पता करना पड़ेगा फोन करके कि इसकी जो इंजन लाइट है वो क्यों जल रही है, नहीं तो भाई इसमें अगर ज़्यादा तगड़ा फॉल्ट हुआ तो भाई दिक्कत आ सकती है बाद में। इसकी जो सर्विस है भाई, सर्विस भी बहुत लेट कराई थी मैंने, 13,000 पे इसकी सर्विस होनी थी, बट मैंने 16,000 किलोमीटर चला दी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 15,000 किलोमीटर पे होगी सर्विस शायद, तो भाई मैंने 1,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला दी थी मेरे हिसाब से, बट कंपनी के हिसाब से ये 13,000 किलोमीटर पे सर्विस होनी थी इसकी,
तो वहाँ पे मुझे चौथी सर्विस जो है भाई फ्री सर्विस जो मिलती है, चार सर्विस इसकी फ्री मिलती हैं, तो चौथी सर्विस होनी थी इस बार फ्री वाली, वो फ्री सर्विस मेरी नहीं हो पाई तो पेड सर्विस हुई थी इस बार मेरी। अभी मुझे नहीं पता क्या इसके कंपनी वालों ने ऐसा क्यों किया, मेरी जो चौथी सर्विस होने वाली थी जो फ्री वाली होने वाली थी वो फ्री क्यों नहीं थी मुझे। अबे क्या बकचोदी अनमोल ये, अबे ओए रुक जाओ, डंडा साइड में रख ले तू पहले, कहाँ से आ गया यार ये भयंकर। अबे क्या सीन है तेरा, अबे रोक ली ना, बता क्या सीन है तेरा। हाँ क्या बताऊँ, क्या चाहिए तेरे को मुझसे ये बता, तू डंडा क्यों लेके आया भाई, मारेगा क्या मेरे को ये बता दे। तो बड़ी तोप भी नहीं है बेटे जो बच जाएगा मुझसे, मार ही सकता हूं। क्या चाहिए तुझे मुझसे ये बता दे, मुझे भाई तुझसे मैटर नहीं रखना है भाई, तू यही बात कर ले जो करनी है तुझे, यही बात कर ले कह रहा हूँ तुझसे जो करनी है तुझे बात, ठीक है ना। हाँ बोल। देख बात ऐसी है कि तेरे मेरे मैटर में सिद्धू क्यों आ रहा है, मेरे तेरे मैटर में क्या तूने खुद ही पंगे लिए उससे। मैंने कोई पंगे नहीं लिए भाई, वही समझाने आया था करण से पंगे बदले ऐसा वैसा, ठीक है मेरे को कोई शौक नहीं पड़ा किसी के पास जाने का, ठीक है वो तुझे समझाने ही आया होगा, मारने तो आया नहीं होगा तेरे को। मैं तेरे पास आता हूँ ना, मैं उसके पास आता हूँ, ठीक है तभी तो कह रहा हूँ। अभी कौन आया, किसके पास आया, कौन उठा रहा है मुझे, ठीक है मैंने एक बार भी नहीं कुछ कहा उसे अभी तक भी, और तुम मेरे चैनल पे देख, उसने मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी मारी है देख ले बेटे। अबे ऐसा कोई नहीं मार सकता भाई स्ट्राइक, तू पागल वागल है क्या, यूट्यूब में काम कर रहा है इतने टाइम से तुझे पता ही नहीं है इस बारे में क्या। पागल वागल कैसे बोल रहा है, क्या तमीज से, क्या चल तो उससे बात ही करूँ आज। हाँ बता भाई तुझे क्या सीन है तेरा, ये बता दे मुझे। अब देख सुन भाई, तेरे से कोई मैटर रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देख सीन ऐसा है कि अब जो होगा सिद्धू और वो मोटे के संग, ठीक है अब तेरे संग कुछ नहीं होगा, और अगर तूने मुझसे पंगे लिए एक बार भी, देख अभी मैं कॉम्प्रोमाइज कर नहीं रहा हूँ तुझसे, ठीक है साफ सी बात है, अभी मैं तुझसे कॉम्प्रोमाइज कर नहीं रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने तेरे को छोड़ दिया भाई, अच्छा ये सीन नहीं है कि मैंने तेरे को छोड़ दिया, बैठ जाऊँ ना बैठूंगा। हाँ तू बता जैसे मर्जी बैठ जा, तू बैठ के बात कर ले भाई। तू देख सीन कि मेरे को किसी से मैटर रखने की जरूरत नहीं है, और सिद्धू ने मेरे को बहुत गलत करा मेरे संग, देख ठीक है मेरे को बिना फालतू का उठाया, तेरे को पता मेरी उससे बातचीत नहीं थी, ना मैं उससे बोलता ना मैं कुछ, वो मोटे को लाके अंकित अंकित को लाके मुझे उठा रहा है मेरी बात, ठीक है। और देख आज मैं हूँ जल्दी में थोड़ा, कहीं जाना था अभी मैं जा ही रहा था, तू तो दिख गया मुझे वहां से, ठीक है आज मेरे को जल्दी, हम परसों को या तरसों को मिलेंगे, ठीक है बैठ के जो जो हुआ मैटर सॉल्व कर ले। भाई मुझे तो स्टार्टिंग से ही तुझसे मैटर नहीं रखने थे, तू ही तेरी में ही चुल्ल हो रही थी कि भाई पंगे करने हैं। देख भाई मैं मैटर सॉल्व कर लूंगा, पर सिद्धू से मैटर सॉल्व नहीं होगा मेरा। तू भाई जो करना है तुझे कर, सिद्धू से मेरा, और अगर तू बीच में आ गया करण भाई बचेगा नहीं, फिर देख ले इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ। देख छोड़ रहा है क्या मतलब, तू मारेगा क्या मेरे को ये बता दे। एक बार भी मारा तभी तो कह रहा हूँ, एक बार भी मैं तेरे को भी तक मारा। हाँ तो क्यों करना है तुझे ये सब, क्यों करना है भाई, आज भी तूने बिना फालतू में रोक लिया मेरे को, ये कौन सी बात हुई तेरे को ऐसे। तूने कल शाम कॉल भी की थी शायद मेरे को, मिस कॉल मार के क्यों छोड़ रहा है भाई, कॉल ही कर लेता पूरी, मिस कॉल मार के क्या दिखा रहा है मेरे को। आज मैं जल्दी हूँ थोड़ा, ठीक है तरसों को या परसों को पक्का मिलेंगे, मैं कॉल कर लूंगा तो या मैसेज कर दूंगा, ठीक है बाकी तुझसे मैं मैटर सॉल्व कर लूंगा परसों या चौथों को, ठीक है बाकी सिद्धू और वो मोटा तो नहीं बचेंगे, बोल दियो मेरी तरफ से उनको। हाँ हाँ चल भाई देख लूंगा मैं, फिर देख लूंगा यार। अबे तुझसे कुछ बोला मैंने, देख लूंगा बोला मैंने, देख लूंगा क्या मतलब, क्या है देख लूंगा मतलब, क्या तुझसे कुछ बोला अभी मैंने, देख मेरी बात सुन, खाली बिना फालतू के पंगे, देख परसों या चौथों को मैटर सॉल्व कर लेंगे सिद्धू और उसको बोल दियो मोटे को, ठीक है चल ठीक है ठीक है। हाँ हाँ भाई मैं तो पहले से ही बोल रहा था, तो उससे पंगे क्यों कर रहा है, हाँ चल ठीक है ठीक है। हाँ हाँ चल यार ठीक है भाई, बिना फालतू में रोक रहा है भयंकर, फिर कह रहा है मैटर सॉल्व करना है, वो देखो सामने बच्चे देख रहे हैं वहाँ से लड़ाई कर रहा है, देख रहे हो बिना फालतू में। हाँ यार चलो गाइस अभी निकलते हैं, वो सामने जा रहा है देखो तड़ी में पूरा नवाब ज्यादा, बिना फालतू के पंगे लेने हैं भाई और कुछ नहीं, और कुछ बोलना हो तो बोल दियो ठीक है, बोल दियो सर मेरी बात ठीक है। हाँ चल ठीक है भाई, चलो गाइस अभी निकलते हैं फटाक से, बिना फालतू का मैटर बढ़ा रहा है भाई ये बस और कुछ नहीं। मैं इससे बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई चल कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बट इसको समझ में ही नहीं आ रहा था, लड़ाई करनी थी, कभी किसी को लेके आ जा रहा था कभी किसी को, कभी वो सरदार जी को लेके आ रहा है, कभी इस मोटे को लेके आ रहा है, कभी किसी को भाई पता नहीं अलग ही गैंग बना रखी है इस बंदे ने। कई बार बोला मैंने इससे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बट इसके समझ में ही नहीं आ रहा था, अब सिद्धू से नीरज से सभी से बढ़ गई है लड़ाई, तब करके कहीं ये थोड़ा शांत जैसा दिख रहा है मेरे को, नहीं तो आज भी ये लड़ाई करने के मूड से ही आया था। अब देखते हैं भाई क्या सीन होता है, बाकी
मैं सोच रहा हूँ भाई जितने भी मैटर चल रहे हैं ना सारे मैटर सॉल्व हो जाए तो भाई बेटर है, क्योंकि भाई सारे मिलकर ब्लॉग बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, सही रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि भाई आपस में ही लड़ाई सही नहीं लगती यार। मैं कब से ये बात समझाना चाह रहा हूँ अनमोल को, बट वो समझने को राजी नहीं था। तब कहीं जाके मेरे को आगे मैटर बढ़ाना पड़ा, जबकि मैंने उसको बहुत समझाया था स्टार्टिंग में ही कि भाई मत कर, ऐसा गलत है, दोस्ती ख़राब मत कर, बट उसको समझ में नहीं आया। तो भाई तब करके मुझे अपना मैटर जो है आगे बढ़ाना पड़ा। अगर उसका मन होगा लड़ाई करने का तो लड़ाई कर लेंगे, अगर उसका मन होगा कॉम्प्रोमाइज़ का तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। मैं तो भाई हर तरफ से राजी हूँ। भाई लोग अभी पहुँच गए हम लोग पीकू मदारा चौराहे पे, यहाँ पे देखने को मिलती है हमें रेड लाइट और यहीं पे खड़े होते हैं थोड़ी देर। सो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जो है सेकंड चैनल ओपन किया है बैकअप के लिए, मतलब इस पे जो है ऑलरेडी दो स्ट्राइक चल रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले रिसेंट ब्लॉग में बताया था कि भाई मैं बैकअप चैनल बना रहा हूँ, उस पे जो है आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना, उस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अगर मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप लोगों को किस किस चीज़ की नीड होगी, और आप लोगों को अगर यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो भाई मुझे उस चैनल पे जाके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को उस पे प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा। कितना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, तो गाइस जरूर एक बार जाके उस वाले चैनल को चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाई चांस अगर इस पे थर्ड स्ट्राइक पड़ गई और ये वाला चैनल उड़ गया तो भाई उस वाले चैनल पर काम करने वाला हूँ। ये देखो जगह जगह पे रोडें खुदी पड़ी हैं भाई, क्या बताऊँ यहाँ की रोडें भाई बहुत ज्यादा बर्बाद कर दी है। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, हेलमेट के अंदर तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। शाम के 5:30 बज गए हैं और अभी भी इतनी गर्मी है ना भाई, क्या बताऊँ आप लोगों को, पसीने से हालत खराब हो रखी है।